पहले अपना परिचय बता दीजिए। राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। राजेश जी, किस तरह की दूसरी नोटिस मिली आपको? बता रहा हूँ, ये पहला ऐसा मामला है जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(3) और सेक्शन 9 के तहत हमको नोटिस दी जाती है। अभी दो घंटे पहले हमको सेक्शन 9 की नोटिस दी गई, तो बिट एफिडेविट मैंने उनका आंसर दिया। जब वो फंस गए तो तीन घंटे बाद पुनः हमको जो है फोन करके बुलाया जाता है और सेक्शन 33 के तहत एक नोटिस दी जाती है। दोनों में अंतर क्या है? सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी एम्प्लॉई जो है अगर बर्खास्त होता है, ठीक, तो उसको परमिशन लेना पड़ता है भारत निर्वाचन आयोग से, एनओसी लेना पड़ता है कि सर मैं चुनाव लड़ सकता हूँ या नहीं। अगर कोई व्यक्ति करप्शन में फंसा होता तो, परंतु तो यहाँ उल्टा मेरे खिलाफ अनुशासनहीनता का चार्ज 19 अप्रैल 2017 को हुआ, जिसकी अपील माननीय न्यायालय में दाखिल है। बादहू जो है सेक्शन 33 कहीं से अपेक्षित नहीं है, ये उन के लिए लागू होता है जहाँ सर्टिफाइड कॉपी मांगी जाती है। अब मैंने जो है जो आरोप मेरे पर था अनुशासनहीनता का, उसकी मैंने कॉपी लगा रखी है और मैंने एफिडेविट दे रखी है कि जो एलिगेशन के तहत मुझे हटाया गया इलीगल तरीके से, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में मेरी रिट पेंडिंग है, ठीक है। उसके जब बाद परेशान करने की नीयत से एक 2 बजे एक ऑब्जर्वर आता है आंध्रा से, उसके पहले DM साहब ने कह रखा था, मैं खुल के कह रहा हूँ कि यूर पास, पर तू ऑब्जर्वर जो 2 बजे आया विशेष प्लेन से, और उसके पूर्व कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय एक कोई राष्ट्रीय तानाशाह प्रेसिडेंट हैं BJP जी के, वो बनारस आते हैं, अधिकारियों की मीटिंग कॉल करते हैं BHU में, और उनको ये डर लगा कि आज का जो ये जवान है जिनको हमने हटाया, उसके बेटे की हत्या कराई, हत्यारे आज तक पकड़े नहीं गए, और बनारस की जनता के नौजवान बुनकर किसान जवान सारे उसके साथ हैं, तो उसके चुनाव न लड़ने के लिए एक प्लान बेस किया गया कि हर हाल में नई दिल्ली से कल 11 बजे तक आप मेरे को पेपर लाओ। मैंने वो भी माना। सुप्रीम कोर्ट के मेरे मित्र हैं निशांत गौतम, मैंने उनको लगा रखा है, 9 बजे चुनाव आयोग ने उनको समय निर्धारित कर रखा है, पास तो होऊंगा। ये तानाशाही की नहीं चलेगी, मुझे शर्म आता है ये कहने में कि IAS कैडर के होते हुए भी ये कह रहे हैं कि आपको जो है ये कह रहे हैं कि वेयर द कैंडिडेट इन पर्सन हु हैविंग हेल्ड एनी ऑफिस रेफरेंट टू इन सेक्शन 9 हैज बीन डिसमिस्ड एंड पीरियड ऑफ 5 years, आप कह रहे हैं आप 2 years के बर्खास्त हो, और 5 years के लिए होते तो उसे कालम होता है कि आप पिरो जाओगे। कह रहा है कि एलप्रेसेड सीज द डिसमिसल सच पर्सन शैल नॉट बी डिमाइड टू बी ड्यूली नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट अनलेस हिज नॉमिनेशन पेपर। भैया जब नॉमिनेशन पेपर मैंने दाखिल किया तो तत्काल आपको वो पेपर चाहिए, तो आपने किस आधार पर जब मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया तो आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? 24 तारीख को मैंने दाखिल किया, आपने नोटिस नहीं दिया। 29 अप्रैल को दाखिल किया, आपने नोटिस नहीं दिया। आज जब पूरे पेपर का जांच होनी थी, जब जांच हो गई, आपने पूर्व में मुझे लिख के दे दिया था इस नोटिस कोई जवाब नहीं है, ये तानाशाही है, अवैधानिक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ परेशान करने की नीयति है, उद्देश्य है। और इसके पहले ये जो देखिए कहीं नहीं लिखा है, आप देख लो इस पूरे डॉक्यूमेंट जो कि 29 अप्रैल को ये पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर DM द्वारा दिया गया था, इनमें किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं की गई है। और उसके बाद एक इलीगल नोटिस अभी मुझे ये जारी की जाती है, क्या बात है, हद हो गई है। और मैं कह दूं BK सिंह आज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 4-4 करप्शन सेना के अंदर उनके ऊपर लगे हैं, आरोप की जांच चली है, उसे नहीं मांगा जा रहा है, और मेरे खिलाफ आरोप अनुशासनहीनता का, अनुशासनहीनता किसी चार्जेबल भारत जो नोटिस आपको दी गई है कब तक का समय दिया गया आप लोग? कल सुबह 11 बजे तक का संभव है। 24 आवर्स चुनाव आयोग काम करता है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब होगी, तरसाई होगी, तो चुनाव आयोग बाकी डॉट रात को 2 बजे पेश करूंगा, मेरे पास आ जाएगा तो DM से बात किया हूँ। कब तक आने की संभावना है आप लोग? रात को 9 बजे सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता महोदय को चुनाव आयोग द्वारा परमिट कर दिया गया एंट्री, और वहां पर अपील बहस सुनने के तत्पश्चात NOC जारी होगा, तो 10 मिनट के अंदर तेज बहादुर चुनाव लड़ेंगे। देश में लोकतांत्रिक संप्रभुता आज भी कायम है, तानाशाही नहीं चलती है, तानाशाह हमेशा मारे जाते हैं, हिटलर गवाह है।